अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। तो आज हम लोग आ गए थे सोनी शोरूम और आज फाइनली जो है ना हम कैमरा लेने वाले हैं, जो कि मैंने प्री बुकिंग किया था क्योंकि कैमरा अवेलेबल नहीं था यहाँ पर। तो उन्होंने प्री ऑर्डर दे के हमारा कैमरा जो है ना वो मंगाया था और थोड़े डॉक्यूमेंटेशंस थे तो उसके लिए मैं और अम्मी आ गए थे। और साथ में है मेरी प्यारी सी गुड़िया, मैं लक्की चाम, मेरी लक्की बेटी कह लीजिए। तो यहाँ पर अलाइना है। माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए बहुत लकी हैं और बहुत ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए हैं। अल्लाह दोनों को हर बुरी नज़र से बचा कर रखे। तो यहाँ पर अलाइना जो है ना बहुत मज़े से टीवी देख रही थी, उसमें ना बड़े बड़े कार्टून्स वगैरह आ रहे थे और वो इन्जॉय कर रही थी। और माशाल्लाह से यहाँ पर रोज है मेरे साथ में। सो बेशक ये मेरा ड्रीम कैमरा है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ये लेने का सोच रही थी। एक्चुअली मुझे लेना था फ़ोन, बट मैंने सोचा कि कुछ अच्छी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि कैमरा बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है फॉर माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से ग्रो हो रहा है और मेरी इनकम भी स्टार्ट हो गई है यूट्यूब चैनल से। और ये देख सकते हैं ये हाउस वाला प्रोजेक्ट ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही इंस्पायरिंग लग रहा था। आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मैं आज कैमरा की डिलीवरी लेने आई थी और मेरा थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो गया था डॉक्यूमेंटेशन, तो उन्हें नेक्स्ट डे डिलीवर करने वाले थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कैमरा आ गया है और माशाल्लाह से जो मैंने चाहा था, जिसके लिए मैंने मेहनत की बहुत ज़्यादा, आज फाइनली वो मेरा कैमरा आने वाला है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ के लिए मेहनत करें, उस चीज़ के लिए शिद्दत से चाहे, तो आपको ज़रूर मिल जाती है। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था और मैंने इसके लिए बहुत ही मेहनत भी की है, बहुत दुआ भी की है और फाइनली आज मेरा ड्रीम कैमरा आ गया है। मतलब ये मैंने यूट्यूब चैनल बस ऐसे पैशन खोला था और देखते ही देखते माशाल्लाह से मेरा चैनल अच्छे से ग्रो हो गया। आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो इसीलिए आज मिठाई तो बनती है, तो मैं मिठाई का बॉक्स भी लेकर आ गई थी। और माशाल्लाह से आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे कंटेंट को पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत लोगों ने मुझे जज करना शुरू किया था और बस मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मेरी अम्मी का सपोर्ट मुझे मिला और अम्मी हमेशा मेरे बैकबोन रहे हैं और उन्होंने कहा कि तुम मेहनत करोगी तो ज़रूर कामयाब होगी। तो और आज बस अम्मी की दुआ से मैं कामयाब हो गई हूँ। और आज मैंने लिया है सोनी अल्फा पूरा कम्प्लीट व्लॉगिंग किट। तो देख सकते हैं फाइनली मेरा सोनी कैमरा आ गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आगे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ेदार से व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ में जो है ना मुझे ये वाला बैग भी मिला था और फाइनली मेरा कैमरा आ गया है मेरे हाथ में और ये फाइनली कैमरा हो गया है मेरा। और माशाल्लाह मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये चीज़ अता की है। बस इंशाल्लाह मेहनत करूँगी और मेरा यूट्यूब चैनल को अच्छे से मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगी। ये मेरा पैशन है और इंशाल्लाह ये पैशन ही मेरे लिए अब फाइनेंशियली मेरे लिए एक सपोर्ट बनेगा, मेरे लिए फाइनेंशियली बैक सपोर्ट रहेगा मुझे और मेरे बच्चों के लिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना मैंने ये वाला कैमरा ले लिया है और देख सकते हैं पूरा कंप्लीट व्लॉगिंग किट मैंने लिया था। और मैं परेशान हो रही थी कि इसके अंदर से वन बाय वन सारे बॉक्सेस निकल रहे थे और फाइनली आ गया था मेरा कैमरा। तो ये मैंने कंप्लीट व्लॉगिंग किट लिया था जिसमें कि ब्लूटूथ ग्रिप है, इसका चार्जर है और मुझे भी इतना ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट मैंने बहुत रिसर्च किया कि व्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है, तो यही मुझे ऑप्शन मिला और सोनी इज़ द बेस्ट। तो इस वजह से मैंने ये वाला ऑर्डर किया था। और इसके साथ मैंने कम्प्लीट व्लॉगिंग किट लिया था जिसमें कि ब्लूटूथ ग्रिप है, लेंस है, सब कुछ मिलेगा। तो माशाल्लाह से वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो बस अभी जो है ना मैंने वारंटी कार्ड इनको निकाल कर दे दिया है, मैं प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट इसमें मैं उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर उनको वारंटी आता है इसके साथ, 2 इयर्स की वारंटी के साथ आएगा, तो वारंटी कार्ड मैंने उनको दे दिया था। और फाइनली अब हम ओपन करेंगे और आपको मैं फर्स्ट लुक बताती हूँ मेरे कैमरे का। तो देखिए कुछ इस तरह से है। माशाल्लाह आजकल द नंबर वन व्लॉगिंग किट है जो कि है सोनी व्लॉगिंग किट। और माशाल्लाह फाइनली इट इज़ माइन, मेरा हो गया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और बस अम्मी की दुआओं से मुझे ये वाला सबसे बड़ी अचीवमेंट मैंने आज
अचीव कर ली है इंशाल्लाह, आगे और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बस अम्मी की दुआ से है ना मुझे कामयाबी मिलेगी। और देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन होता है, फ्लिप कैमरा है, आप इसको बैक साइड से भी स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट से भी स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी, अगर आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अगर आप कॉन्स्टेंट रहेंगे तो आप डेफिनेटली ज़रूर यूट्यूब पर अच्छा ग्रो कर सकते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब जो है ना पॉपुलर हो गया है, और फाइनली हमारा कैमरा जो है ना हमें मिल गया है, और मैंने उन सारे स्टाफ को भी जो है ना मिठाई खिलाई, और आज बहुत अच्छा दिन था, बहुत खुशी का दिन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फाइनली आज हमारा कैमरा हमारे पास है, तो मैं कैमरा लेकर घर आ गई थी। और चलिए आज अम्मी का रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कल कैमरा नहीं मिल पाया था तो आज फाइनली कैमरा मिल गया। और माशाल्लाह मेरी अम्मी की दुआ देखिए और मेरी अम्मी की खुशी देखिए, मेरी अम्मी की दुआओं का रिवॉर्ड मुझे मिला है। और उरुज भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और बस इंशाल्लाह अब अच्छे से जो है ना मैं व्लॉगिंग कर सकूँगी। और अम्मी तो माशाल्लाह बहुत खुश हो गए, और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि ये कैमरा मैं वासी की इंगेजमेंट से पहले लूँ, तो माशाल्लाह वो कैमरा आ गया और मैं अच्छे से व्लॉगिंग करूँगी। और मैंने अम्मी का मुँह मीठा किया और उनको थैंक्स भी कहा, और अभी मेरे बेटे का मुँह मीठा करती हूँ। और उरुज भी बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड थे। घर पर मैंने कैमरा रख के फिर मैं बाहर आ गई थी मार्केट, तो आज साहिबा कांची सारीज में ओपनिंग थी, यानी फर्स्ट डे था, और मैं बस एज ए विजिटर गई थी वहाँ पे कलेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए कैसा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे लेना था वासिक भाई के एंगेजमेंट के लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस, तो मैं बस वही देखने के लिए यहाँ पर आ गई थी। और माशाल्लाह शोरूम काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, कांची सारीज, सिल्क सारीज, डिज़ाइनर सारीज, और बहुत सारा कलेक्शन है, गाउन्स है, आपको प्लाजोस, नायरा कट, जो भी न्यू ट्रेंडिंग में है ना वो मिल जाएगा। और आज फर्स्ट डे था और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा एम्बियंस, और इनके पास कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, इनके पास लेडीज़ की बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको सैरीज हो गई, डेली वेयर हो गया, कुर्ती पजामा, और जो फेस्टिव वेयर ओकेशनल वेयर सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था, इवन फॉर गर्ल्स किड्स के लिए भी अवेलेबल था, ओनली मेंस किड्स और बॉयज़ किड्स के लिए अवेलेबल नहीं थी सारी चीज़ें, ओनली फॉर गर्ल्स। और मैं यहाँ पर ऑप्शंस देख रही थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके पास, और मैंने यहाँ पर दो तीन सेलेक्ट किए और मुझे बहुत अच्छे लगे, इवन इनका फैब्रिक भी अच्छा था और कलर वाइज डिज़ाइन वाइज काफ़ी प्यारे लग रहे थे, तो स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था इनका, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वो मुझे निकाल कर बता रहे थे। और बस मुझे वासिक भाई की इंगेजमेंट में पहनने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा गाउन चाहिए था, तो बस मैं वही देख रही थी। और देखते देखते जो है ना मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए थे, और क्योंकि ये द एंड मोमेंट में मैंने शॉपिंग की, एक्चुअली मेरा प्लान था साड़ी पहनने का, बट मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा लॉन्ग गाउन ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे उन्होंने बताए, बट कलर्स बहुत ही कम अवेलेबल थे, अभी न्यू स्टॉक आया था इनके पास। अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर विज़िट करना, आपको यहाँ का कलेक्शन ज़रूर पसंद आएगा। और उन्होंने जो है ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस बताए, जैसे कि नायरा कट जो आजकल ट्रेंडिंग में है वो था, और ये वाला गाउन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फुल हैवी वर्क था। आई थिंक इनके पास जो स्टार्टिंग प्राइस है 4000 अप टू आपको 20-25,000 तक के सारे चीज़ें अवेलेबल थे, और ये जो गाउन था ना 5000 का था। साथ में उन्होंने मुझे ना बहुत सारे ऑप्शंस भी बताए, और ये वाला नायरा कट में भी था, देख सकते हैं इसके नीचे जो है ना बॉटम प्लाजो आने वाला था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैं जैसे कि मैंने कहा कलर्स ऑप्शंस बहुत कम थे, 3-4 कलर से मिल रहे थे, तो मैंने इसमें से एक सेलेक्ट कर लिया है, और फाइनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका फैब्रिक भी और डिज़ाइन भी। इंशाल्लाह मैं आपको एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी जिसमें कि मैंने प्रॉपर अपने लिए क्या शॉपिंग की है, बच्चों के लिए क्या शॉपिंग की है, वो सब कुछ आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ शेयर करूंगी, मैंने कहां से कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं, और दुल्हन का कंप्लीट बड़ी व्लॉग भी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर चैनल पर आप नए हैं या फिर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
फाइनली हो गई है मेरी शॉपिंग और ये था बिल। और यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि आज थी ओपनिंग। शॉपिंग हो गई थी डन, तो मैंने अलाइना के लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस निकाला था और मैंने अलाइना को रेडी कर लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं उर्स, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा ये लेगिंग्स जो कि मैंने मैक से लिया था, और ये बहुत ही प्यारे से सॉक्स जो कि मैंने फर्स्ट क्राई से लिए थे, और ये टॉप जो है ना मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। और यहाँ पर है मेरी प्यारी सी गुड़िया अलाइना, एक्साइटेड टू गो। एक्चुअली भाभी का जाने का प्लान था आज उरुस, और यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़िद कर रहे थे उरुस जाने के लिए, तो उरुज को भी लेकर हम उरुस जा रहे हैं। और यहाँ पर है अलाइना फातिमा, और अलाइना का कैमरे में देखने का बिल्कुल मन नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप शाम हो गई है। बस अब हम सब लोग रेडी हो गए हैं और निकल रहे थे फटाफट से। मैं कह रही थी कि अलाइना इधर देखो इधर देखो, तो फाइनली अलाइना ने देख लिया है कैमरे में। और जब तक हो मामा तो मामा को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वासिक मामा के पास है अलाइना सेफ। कहीं भी जाना हो तो वासिक मामा की ड्यूटी हो जाती है ऑन, तो अलाइना को लेकर वासिक भाई चल रहे थे। और अभी हम लोग सीधा आ गए थे झूलों के सेक्शन में, बहुत सारे राइड ऑन्स थे यहाँ पे और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो चलिए देखते हैं बच्चे कौन से झूले में बैठना पसंद करते हैं, और उनको थोड़े एक दो तीन राइड्स घुमाकर फिर हम लोग घर जाने वाले थे। और ये वाला बड़ा सा जॉइंट व्हील था, देख लीजिए इन लोगों ने ये वाला झूला सेलेक्ट किया, और इनके एक्साइटमेंट लेवल चेक कीजिए। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, और सीधा उन लोगों ने खिलौने नहीं देखे, बस सीधा राइड ऑन्स की तरफ आ गए। और जब हम लोग घर जाएंगे ना, उस टाइम पर जाते जाते इन लोगों को खिलौने लेकर जाएंगे। और माशाल्लाह अलाइना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कितनी भीड़ है और यहाँ पर कितने सारे लाइटिंग्स, और अलाइना को अच्छा लग रहा था। यहाँ पर अभी ड्यूटी लग गई है परीसा को लेने के लिए, और भाभी ने लिया था लाइना को। आज परीसा का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी क्योंकि भाभी ने लाइना को लिया था, तो वो बार बार भाभी के पास जाने की ज़िद कर रही थी। और उसके बाद जो है ना बच्चों की तो यहाँ पर राइड हो गई थी, हम लोगों ने सोचा कि हम भी एक राइड ले लेते हैं, तो फिर हम लोगों ने ये वाला झूला सेलेक्ट किया। और मैं भाभी अम्मी जा रहे थे झूला झूलने के लिए, मतलब बस यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा सा एक राइड तो लेना बनती है, तो हम लोगों ने ये राइड ली, बहुत मजा आया। बताओ कितना है? पाकिस्तानी शर्ट है, कंपनी का है, बड़ा डब्बा एकदम अंदर हो।
पूरा पैकिंग आता है, कितना सेट है? 6500 का है, माय फेयर कंपनी का है, 12 प्लेट का है। क्या क्या है उसमें? क्या क्या? 12 बड़े प्लेट, 12 छोटे प्लेट, 12 कटोरे, 12 चमचे, 6 सलाद के प्लेट, 2 डिशेस है, 2 ढक्कन है, 2 चम्मच है, 2 मुस्काब है, 2 मुस्काब के ढक्कन है, 2 चम्मच है, 2 ढाई के चटनी कटोरे है, 2 चम्मच है, 2 मीठे कटोरे, 2 मीठे चम्मच है, 6 गिलास, 1 जग है, 6 सलाद। टोटल कितने पीस? 80 पीस का आता, सब में बड़ा सेट बोले तो 80 पीस का है, इसमें कम बोले तो 70 पीस का है। देखो ये 70 पीस का है, 50 पे 4 पीस का। कलर कौन सा होना बोले मैडम? वो छोड़ के बोलो क्या है, बिस्मिल्ला करेंगे, लास्ट बोले फाइनल। ये कितना पहले रखते रखते ये कैसे दिए पहले? पाकिस्तानी सेट है, भाई बता रहे थे, इतनी लंबी लिस्ट बता रहे थे कि 80 पीस की चम्मच है, वो है, ये है, तो इन्होंने 6500 उसका प्राइस बताया था, उन्होंने फाइनल 3500 में दिया, जो कि हम लोगों ने नहीं लिया, कोई ले रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों की शॉपिंग हो गई है, और इन्होंने सारे मिलकर जो है ना ये वाला सेट ले रहे थे, फ्रूट वाला सेट, और उरुज को तो ऑलवेज गन ही चाहिए उरुज को तो उरुज ने अपनी फेवरेट गन यहाँ से ले ली है, और बच्चों को जो है ना हम लोगों ने खिलौने दिला दिए, और बस उरुज की एक्साइटमेंट लेवल देखिए, मतलब उरुज को गन मिल जाए ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैंने ये अलाइना के लिए बहुत ही क्यूट सा जो है ना ये वाला लिया बदख, और देखिए अलाइना कैसे देख रही है इसको, इस टॉय को देखकर बहुत खुश हो रही थी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और आज है नेक्स्ट डे, कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था और बहुत ही अच्छा दिन था माशाल्लाह। और आज मैंने यहाँ पर मेरे रूम का मेकओवर किया है, तो आप लोगों को बताना है कि ये मेकओवर कैसा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वॉल डेकोर किया है, और इस पर मैंने अलाइना के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने रूम थीम के हिसाब से, किड्स रूम थीम के हिसाब से यहाँ पर जो रेनबो वाले वॉलपेपर्स होते हैं वो लगाए थे, और यहाँ के पर्दे मैंने चेंज कर दिए थे, और यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा सा आर्टिफिशियल लीव्स का जो है ना हैंगिंग्स मिल जाते हैं, तो वो मैंने लगाए। और हम लोगों ने ना इस खिड़की का पूरा जो है ना पुरानी जो नेट होती है उसको निकाल कर नई नेट हम लोगों ने यहाँ पर लगाई थी, और पेंटिंग वगैरह हम लोगों ने की, तो ये माशाल्लाह रूम बहुत ही ब्राइट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वॉल डेकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और पर्दे कैसे लगे वो भी ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और रात के टाइम पे तो ये रूम बहुत ही प्यारा लग रहा था, लाइट्स लगाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही काम और बहुत फ्रेश रूम लग रहा था, और बच्चों को बहुत पसंद आया, उरुज को, अलाइना को तो काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोगों को बताना है कि आज का व्लॉग कैसा लगा आपको, और आप सब लोग ना कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट करना है अभी, और अलाइना और उरुज यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्लॉग, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।